गुड मॉर्निंग, दिस इज योर साहिल फ्रॉम हिली मेजर्स। भाई आपका दुआ सबकी रहमत उसकी रजा दिल की। और अभी हम जो है वो पांग में और यहाँ से अपनी जर्नी को शुरू करेंगे सरचू और जिस्पा होते हुए। और आज का जो हमारा टारगेट है वो जिस्पा है। और यहाँ अभी जो टाइम हुआ है वो है 6:10 एल्टीट्यूड 14800 प्लस 500 15300 और अप्रॉक्सीमेटली 6-7 घंटे की जर्नी है। और बाइक वगैरह जो है वो तैयार कर लिया है। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और आइस जो है वो बाइक पर काफ़ी ज़्यादा जम चुकी है। और यहाँ अभी हम 3 पास जो है वो क्रॉस करेंगे, लाचुंगला नकुला और 12 लच्छा पास 14 जून। और अपनी जर्नी को शुरू करते हुए सेइंग गुड बाय। शुक्रिया। ओके गुड बाय। एक्चुअली सुबह से आप लोगों से बातचीत नहीं है तो सोचा कि रोक कर बातचीत करें। 10 किलोमीटर आ चुके हैं पांग से और लगभग 65 किलोमीटर्स जो है वो सरचू है और उसके बाद 80 किलोमीटर्स जिस्पा है। और ये मेरा बाइक है और ये माउंटेंस के स्पेशल मोड हैं जो हम इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हम सरचू की वैलीज में घूम रहे हैं जिस्पांग टू सरचू। और कपड़े वपड़े कोई ख़ास मैंने आज नहीं पहने, तो पैंट्स भी जो है वो नॉर्मल है और नी गार्ड्स नहीं लगाए हैं। ठंड लग रही है, सोचा कपड़े वपड़े चेंज कर लूं लेकिन लगेज खोलने की हिम्मत नहीं है भाई। और ये आप साउंड सुन रहे हैं, आई थिंक ब्रिज से अभी अभी कोई क्रॉस हुआ है और रास्तों से गुजर कर अभी अभी हम यहाँ आए हैं और इन वैलीज को इंजॉय कर रहे हैं। और अभी जो टाइम है वो 6:30 और एल्टीट्यूड जो है वो लगभग 200-300 फुट हमने प्लस किया है पांग से। सो यहाँ ये जो नज़ारे हैं माउंटेन्स के ये बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। धूप धीरे धीरे बढ़ेगी, थोड़ा बॉडी को अच्छा फील होगा। रात को टेम्परेचर काफ़ी माइनस हो गया था और चलते हैं एक बार यहाँ से। और रास्ते में जो बेसिकली खड्डों वड्डों में पानी खड़ा है वो जमा हुआ है और रात को तो टेम्परेचर माइनस होता ही है और गर्मी के मौसम में इतनी ठंड फील करना बड़ा अजब है। और अभी कल जो है वो आई थिंक गर्मी शुरू होने वाली है क्योंकि कल हम जिस्पा से रवानगी करेंगे और चंडीगढ़ की तरफ। कल से अच्छी खासी गर्मी शुरू हो जाएगी भाई। दिस इज कांगलाचल एल्टीट्यूड 4878 मीटर। चलते चलते रुक गया और सरचू जो है वो 61 किलोमीटर है। एक व्यू को कैप्चर करने के लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो। और अच्छी खासी जो है वो यहाँ बर्फ जमी हुई है और सरचू तो खैर 61 किलोमीटर रह गया है। और दिस इज माय बाइक और ये रास्ते हैं यहाँ के, तो इतनी ऑफ रोडिंग यहाँ पर नहीं है। बेसिकली थोड़े थोड़े बीच में जो रास्ते हैं वो हैं ज़रूर, लेकिन जंस्कार और हैंडलूम लिंगला करने के बाद ये फील नहीं हो रहे हैं बेसिकली। और
कहाँ कहाँ रोके, कहाँ कहाँ ना रोके समझ में नहीं आएगा। इतनी ब्यूटीफुल वैलीज हैं और इतने ब्यूटीफुल व्यूज हैं, आप किन किन को कैप्चर करोगे, गाड़ी वाड़ी रोकोगे, इसलिए थोड़ा सा लॉजिक लगाकर और दिमाग लगाकर आपको उन व्यूज को कैप्चर कीजिए जो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो अदरवाइज टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा। सो चलते हैं। तो फाइनली अभी हम नाचुंगला टॉप पहुंच चुके हैं और 16,616 फीट इस वक्त जो टाइम हुआ है वो है 7:15 प्लस 517,000 फीट। बट ये और इस बार वॉच जो है वो सही मैच कर रही है और वेरिएशन नहीं है। सो ऑक्सीजन की जो है वो बेसिकली इतनी कमी मुझे नहीं लग रही है क्योंकि आई थिंक मैं एक्लिमेटाइज हो चुका हूँ और This is my bike and अभी हम 22 किलोमीटर जो है वो पांग से आए हैं और अभी आगे नपला पास आएगा, फिर सरचू, फिर बारालाचा पास और फिर जिसपा। सो यहाँ से अभी चलेंगे और अभी हम पहुंच चुके हैं नकीला टॉप पर 15,547 फीट और टाइम जो है वो 8 बज गए और हमारी वॉच में 16,055। अभी ये -500 दिखा रहा है, -500 का वेरिएशन है और यहां से अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर जो है वो सरचू है और उसके बाद 80 किलोमीटर जिसपा है। और ये मेरा बाइक है, अभी तक कोई खास इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है और ये यहाँ के व्यूज़। और फिलहाल अभी यहाँ से चलेंगे और जो है वो 40 किलोमीटर सरचू है और डेथ वैली है, एक्चुअली वो हाईवे बन चुका है और हमें दिक्कत नहीं आने वाली। सो ये जो आप सामने देख रहे हैं बोटल्स वगैरह यहाँ चढ़ाई हुई है, इसके पीछे एक कहानी है कि कितने टाइम पहले मुझे एग्जैक्टली टाइम का ध्यान नहीं, लेकिन बहुत टाइम पहले एक लड़का होता था जो पानी के कारण, प्यास के कारण जो है वो मर गया था। और उसके बाद कंटिन्यूसली ये कहानी जो है वो काफ़ी इन पहाड़ों में गूंजती रही और आज इस एक एरिया में बोटल्स को चढ़ाया जाता है ताकि उसकी जो रूह है उसको शांत किया जा सके, पानी की बोटल्स को। और ये कहानी जो है वो इस चीज़ के पीछे है। और अभी जो सरचू है बेसिकली वो रह चुका है लगभग आई थिंक 30 किलोमीटर और चलते हैं हम आगे की तरफ। सो बेसिकली यहाँ से जो सरचू है वो 20-25 किलोमीटर रह चुका है और ये जो आप देख रहे हैं ये हाईवे बन चुका है और पहले जो है ये पूरी रेत से हमें निकलना पड़ता था। पिछली सियाचिन ट्रिप में आप मेरी पिछली वीडियोस को निकाल के देखेंगे तो इस रास्ते को मैंने कैसे पार किया हुआ वो आप देख सकते हैं, 10-15 किलोमीटर का स्ट्रेच था, लेकिन अब ये हाईवे बन चुका है। ये डेथ वैली से बोला जाता था और सरचू से मात्र 20-25 किलोमीटर हम दूर हैं और अभी 8:50 है और लगभग 14,000 फिट का एल्टीट्यूड है और ये मेरी बाइक है और आज का जो हमारा टारगेट है वो जिसपा है। सो इस वैली को इंजॉय करते हुए अब हम यहाँ से चलेंगे। सो
तो इस वक्त हम सरचू पहुंच चुके हैं और टाइम जो है वो 10 बज चुके हैं। 14,100 का एल्टीट्यूड प्लस 400-500 आई थिंक 14,500 का एल्टीट्यूड है और ये सरचू एरिया, और यहाँ से जो जिस्पा है वो 2-2.5 घंटे का रास्ता है, 80 किलोमीटर, एक 12 लच्छा पास आएगा उसे क्रॉस करना है और लगभग आइडिया है कि 1 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से अपनी रवानगी करते हैं और सर, और सर बस बढ़िया। और सुनाओ, खूब दूध दाल लेके आए, क्या बात है। पानी पिलाओ भाई को पहले। और सुनाओ, बस बढ़िया है। शूट ही हो रहा है अभी। सर शूट हो रहा है और क्या? अच्छा, अभी अच्छा, अभी आज का डे एंड नहीं किया अभी। अच्छा, तो सर कंडीशन ही बहुत खराब कर रखी है आपने। ये असली राइडर तो आप बने लगता है, पिछले बार ही नहीं बने थे। सही है। तो फाइनली अभी हम सीरामणि रिवर कैंप जिस्पा में और यहाँ हम आस्ते करने वाले हैं। टाइम जो है वो 7:45 का है। एल्टीट्यूड 10,800 प्लस 500 11,300 समथिंग है और यहाँ के जो ओनर है मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। हाँ जी सोनू जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। आपसे तो हम वाकिफ हो चुके हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं क्योंकि पहले पिछले साल जब हमने सियाचिन की ट्रिप की थी तब आप इंट्रोड्यूस हो चुके हो। अब आप हमें ये बताइए कि इस साल क्या बदला है और क्या खास है? इस साल बहुत सारे, मैंने कुछ तो पहले तो टेंट कम कर दिए क्योंकि कुछ लोगों का ये था कि मेरे को भीड़ भाड़ वाला नहीं वो रखना था, थोड़ा सा मेरे को ये रख करना था कि जो लोग आए और उनको जो है मतलब कि सेपरेटली और ज्यादा भीड़ भाड़ वाला वो ना लगे, ताकि जो है जैसे भीड़ भाड़ में तो लोग शहरों में रह ही रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक गांव वाले हमारे इस उसमें आए हैं तो इसमें ये देना चाह रहा था कि ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो और कुछ लोग लिमिटेड लोग हो और उन्हीं लोगों के लिए जो है यहाँ स्टे मिले और उनको जो है सेफ और सिक्योर वो मिले, ताकि कोई भी लेडीज आए या कोई बच्चे आए तो उनको कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये सारा इसी साल बना है। आप पिछली मेरी वीडियो उठा के देखेंगे तब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो ये प्रॉपर जो है वो डाइनिंग एरिया है, प्रॉपर साफ सुथरा, प्रॉपर यहाँ स्पीकर्स हैं, अगर आप पार्टी वार्टी करना चाहें तो भी एक सेपरेट रूम है और किचन, हम आपकी किचन देखना चाहेंगे। बिल्कुल। तो किचन भी है, घर जैसे आपको यहाँ फील होगा। और ये यहाँ का प्रॉपर किचन है, पूरा खुला है, साफ सुथरा काम है। और ये हमारे यहाँ के को ओनर्स है, ये भी उतना ही हक है जितना इनका है और बल्कि गेस्ट का भी उतना ही हक है। तो ये सब जो है वो मिल बांट के फैमिली की तरह यहाँ जो है वो काम होता है। अगर किसी बंदे ने कुछ खाना है बनाना है तो वो खुद भी यहाँ बना सकता है, होटल वोटल वाला कोई सिस्टम नहीं है। और अभी हम आपके टेंट देखना चाहेंगे जी। तो बेसिकली आपको जो है टेंट वेंट पिछली वीडियो में जरूर देखे होंगे, लेकिन इस साल जो है और इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है और जो इस बार ये 2 सोलर पैनल्स लगाए गए हैं यहाँ और 2, 3, 4, 5, 8 टेंट है यहाँ पे प्रॉपर और पूरा वाइड एरिया है और रश काफ़ी ज़्यादा है, बुकिंग ओवर रहती है और ये जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ ये रात तक चलती रहती हैं 9, 10, 11, 12 और ये बुकिंग करके आई बुकिंग करके आई है क्योंकि यहाँ क्राउड ओवर रहता है और कैंसिलेशन तो भूल जाइए, यहाँ मतलब कि 10 बंदे रोज वापस आते हैं।
ये 200-250 लोग तो यहाँ से जो है काफी लोगों को ये रेफर करते हैं दूसरी जगह भी जो टेंट है, क्योंकि यहाँ इनका काम फुल हो जाता है जी। तो अभी भी गाड़ी आ रही है, हम दोपहर के आए हुए हैं और एक बार रिवर साइड जी बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल तो रिवर साइड एक बार चलते हैं। और इनके फोन वगैरह बज रहे हैं, इनके पास टाइम बहुत कम है, बड़ी मुश्किल से 3-4 मिनट इनसे निकालने के लिए बोला है। और ये जो है रिवर साइड व्यू है और आपको मैं दिखाने वाला हूँ अभी एक जो यहाँ का रिवर साइड फील है बेसिकली। सो गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो फुल है भाई फुल। और ये यहाँ का व्यू है, वाव। सो ये यहाँ का व्यू है, सनसेट का टाइम है और अच्छे टेबल्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है शिरोमणि रिवर कैंप का वो बहुत बढ़िया है, रात को बॉनफायर पार्टीज खुला काम है भाई खुला। बुकिंग के लिए सोनू जी को रेफर कीजिए, इनका मोबाइल नंबर जो है वो मैं डालने वाला हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो आज का जो एक्सपीडिशन आप लोगों को कैसे लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते एक मैसेज जो सोनू जी देना चाहेंगे अभी। ये सबसे पहले तो सबको नमस्ते, जितने भी साहिल भाई के जो वीडियोस को देखते हैं, ये बहुत मेहनत करके जो है आप सबके लिए जो है आपका सफ़र, कोई सफ़र में जो दिक्कतें आती है वो सफ़र को दूर कैसे किया जाए, दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए बहुत बारीकी से मेहनत करते हैं। और जितने भी सब्सक्राइबर है जो भी इनके वीडियोस को देखते हैं, तो जो भी अपना ट्रिप प्लान करते हैं इनके वीडियो को ज़रूर देख के जो है अपना प्लान करें, क्योंकि इन्होंने बहुत से छोटी छोटी चीज़ों को कवर किया जिसमें कि सफ़र में किया, जो पिछले साल भी इन्होंने किया था इस साल और भी मतलब कि जो पिछले साल का जो कमी था इस साल और दूर करके जो है बहुत अच्छे से वीडियो को बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं वीडियो बनाने के लिए, रात भर लगे रहते हैं। मेरे को लगता है कि सोने के लिए भी शायद इनके पास बहुत कम टाइम रहता है, जो सिर्फ आप के लिए इतना कुछ मेहनत करते। तो जितने भी सब्सक्राइबर है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर आप इनका रेफरेंस देके जो है इनके वीडियो को जो है बहुत प्रमोट करवाएं जी। थैंक यू। चलिए इन्होंने तो हमारे बारे में बता दिया, आप शिरोमणि रिवर कैंप हम आपको नहीं बताएंगे कि बढ़िया है नहीं, आपको कैसे लगा ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा जी। पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स दोनों अप्रिशिएट किए जाएंगे। सो अपना ख्याल रखिए, हो सके तो दूसरों का भी ख्याल रखें जी। शिरोमणि रिवर कैंप जिसपा से सोनू जी के साथ मी जय हिंद। गुड मॉर्निंग, दिस इज योर साहिल भाई, आपका दुआ सबकी रहमत उसकी रजा दिल की। आज 15 जून 15वां दिन है और हम अब जिसपा से बोल रहे हैं और ये हमारा टेंट है, मैं आपको टेंट दिखाने वाला हूँ अभी। सो दिस इज डबल बेड प्रॉपर शू रैक और एक एक्स्ट्रा बेड है जहाँ ये सारा सामान वामान मेरा पड़ा है। और दिस इज वॉशरूम सेक्शन। सो और जो बाहर का नज़ारा है वो है ये, दिस इज माई बाइक। सो बेसिकली अभी जो टाइम है वो 12 बज गए हैं, 12। एक्चुअली कल रात को देर सोए, अब क्यों सोए ये नहीं पता, और सुबह लेट उठे, अब जाके कोई पैकिंग वैकिंग कंप्लीट करेंगे और फिर यहाँ से रवानगी करेंगे अपने घर की तरफ। यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर जो है वो श्री गंगानगर राजस्थान है। अब देखना यह है कि कहाँ स्टॉप लेना है कहाँ नहीं लेना, 300 किलोमीटर पे या 400 किलोमीटर पे। अब नॉर्मल रास्ते आने वाले हैं, हाईवेज आने वाले हैं, 15 दिन गुजारने के बाद अब गर्मी में जाने वाले हैं। तो और बेसिकली मैं आपको अब एल्टीट्यूड बताता हूँ यहाँ का। सो 10,837 लगभग प्लस 500, 11,211, 300 का एल्टीट्यूड है। और ये जो स्टेप्स आप देख रहे हैं 2620, ये रात के 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक के हैं। ये इन सब पैकिंग को करके यहाँ से अब हम चलेंगे और आगे घर की तरफ अब रवानगी है। तो आप लोगों को ये जो एक्सपीडिशन है ये सब कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमें मोटिवेशन मिलेगी आने वाले टाइम में और ज़्यादा गंदे वाली एक्सप्लोरेशन करने के लिए, एक्सपीडिशन करने के लिए, आपको कोना कोना दिखाने के लिए। सो तब तक स्टे सेफ एंड रेलिवेंट फॉर नेचर, जॉय ऑफ नथिंग, रिस्पेक्ट द फील्ड्स, फॉलो द होली ग्रेस एंड सेव द ह्यूमैनिटी। दिस इज योर साहिल फ्रॉम हिली म्यूजर्स। जय हिंद।